जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, फाइनली चेहरे मूवी अब सिनेमाज में रिलीज़ हो चुकी है और यहाँ दुबई में तो थर्सडे शाम 5:30 बजे इसके पहले शो को रिलीज़ कर दिया गया था और इंडिया में अब आप बुक माई शो और पेटीएम पर इसकी टिकट सेल हो रही है, वहाँ से अब आप इनकी टिकट्स बुक करके आप इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ये थिएटर्स में रिलीज़ हो तो चुकी है लेकिन काफ़ी सारी अभी भी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर सिनेमाज बंद हैं और वहाँ की ऑडियंस अब ये जानना चाहती है कि आखिर इस मूवी का OTT रिलीज़ डेट कब है, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मूवी का रिव्यू क्या है, क्या उनको अब इसका इंतजार इतना करना चाहिए या फिर इसे जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, सारे सवालों के जवाब आपके अब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा सुनना। वीडियो छोटा है लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से अगर मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो ऐसी अपडेट्स और टाइप की भी सारी हेल्प मैं आपको वहां पर दे सकूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम लगाए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मूवी के रिव्यू से। दोस्तों, इस मूवी की जो कहानी है वो घूमती है समीर मेहरा के आसपास, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है जिसके रोल में आपको देखने को मिलेंगे इमरान हाशमी। इमरान हाशमी एक दिन ऐसे बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं जिससे बचने के लिए उन्हें शरण लेनी पड़ती है एक ऐसे घर में जहां पर 4 रिटायर्ड कोर्ट ऑफिशियल्स हैं और वो रोज़ शाम को बैठकर एक वर्चुअल कोर्ट ड्रामा आपस में एक गेम की तरह प्ले करते हैं और अब उनके गेम में आकर फंस चुका है समीर मेहरा। तो अब समीर की ज़िंदगी में इस गेम में आने के बाद क्या होगा, क्या ये एक नॉर्मल गेम की तरह चलेगी या फिर ये आगे जाकर कोई ऐसा खतरनाक मोड़ ले लेगी जो समीर की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको देखनी होगी चेहरे। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ मुझे इस मूवी में क्या पॉजिटिव नज़र आए और क्या मुझे थोड़े से इस मूवी के नेगेटिव्स लगे। दोस्तों, पॉजिटिव में सबसे पहली बात करूँ तो ये हॉलीवुड टू बॉलीवुड टाइप के कॉन्सेप्ट की मूवी है। अगर आपको हॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिनके प्लॉट थोड़े गेम बेस्ड हों और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़े उन्हें समझने के लिए, तो दोस्तों ये उस टाइप की मूवी है, इसलिए ये सबको शायद पसंद ना आए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्हें हॉलीवुड टू बॉलीवुड टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है। अगर बात करूं इस मूवी में एक्टिंग की तो अमिताभ बच्चन दोस्तों इस मूवी की जान है। जो उनकी लुक्स हैं, जो उनका स्टाइल है, जो उनके डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है, इसके अलावा आपको 10 मिनट से लंबा उनका एक मोनोडायलॉग भी इस मूवी में देखने को मिलेगा। असल में अमिताभ बच्चन ही इस मूवी की पूरी जान है। इमरान हाशमी की अगर बात करूं तो ऐसे रोल जैसा उन्हें मिला है वैसे ना तो हमने उन्हें ज़्यादातर देखा है उस रोल में, तो इसलिए ना तो हम उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ना वो उसमें से निखर कर आ पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करूं सपोर्टिंग कास्ट में जहां आपको देखने को मिलेंगे रघुवीर यादव या अन्नू कपूर, उन सभी ने अपना काम डिसेंटली किया है। रघुवीर यादव का रोल काफ़ी छोटा है, वो कम बोलते हैं लेकिन डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस उस मूवी में आप देख सकते हैं। मूवी में दोस्तों म्यूज़िक भी आपको सुनने को मिलेगा, 2 सॉन्ग्स हैं इसमें वो भी डिसेंट हैं। ओवरऑल मूवी की क्वालिटी, प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और कहानी एंगेजिंग है, शुरू से आपको एंगेज करके रखती है और आप देखना चाहते हैं कि आखिर अब समीर के साथ क्या होने वाला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, बात करूं अब अगर कुछ नेगेटिव्स की तो इस मूवी की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की इसकी लेंथ है और जो फर्स्ट हाफ है वो सिर्फ स्टोरी बिल्डअप में उसमें काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए अगर आप एक फास्ट पेस थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी से डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, इसका फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा स्लो है। इसके अलावा दोस्तों, मूवी में जो है एक घर में ही बनी हुई है तो आप क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील करते हैं इस मूवी को देखते हुए, और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इसका हॉलीवुड टू बॉलीवुड टाइप का प्लॉट है तो शायद ये सबको समझ ना आए। तो दोस्तों, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, अगर आप हॉलीवुड टू बॉलीवुड टाइप की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेशनेस ऑफ कॉन्सेप्ट और प्लॉट हो तो आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है लेकिन सेकेंड हाफ में पेस आ जाएगा, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली ये एक वॉचेबल मूवी है मेरी नज़र में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके OTT रिलीज़ डेट की। तो दोस्तों, जो इसका OTT प्लेटफॉर्म है जिसने इसके राइट्स लिए हैं वो है Amazon Prime, और Amazon Prime का दोस्तों पहले इसे डायरेक्ट टू OTT रिलीज़ करने का प्लान था लेकिन तब प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि नहीं, इसे सिनेमा में रिलीज़ किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं वो ये कहती हैं कि सिनेमा में रिलीज़ के 8 हफ्ते बाद Amazon Prime इसे रिलीज़ कर सकता है। लेकिन अगर मूवी बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पर अच्छा नहीं कर पाई तो इस 8 हफ्ते को हटा के 5 हफ्ते भी किया जा सकता है। तो आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि आज है 27 अगस्त, यानी कि 25 सितंबर के आसपास जो इसका एम्बार्गो है जिसके बाद Amazon प्राइम जो है फ्री हो जाएगा इसको रिलीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि बेल बॉटम जो है वो 15 सितंबर के बाद Amazon प्राइम पर कभी भी रिलीज़ हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर से एम्बार्गो उस टाइम पर हट जाएगा। तो अगर बेल बॉटम रिलीज़ होती है तो चेहरे को हो सकता है 2 हफ्ते के आसपास और डिले किया जाए। तो दोस्तों, जो अभी तक इसकी डेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको Amazon प्राइम पर जो है
चेहरे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसके OTT रिलीज का वेट कर रहे थे तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5 हफ्ते का टाइम दोस्तों अमेजॉन प्राइम पर इसको रोक के रखेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी अपडेट आपके लिए, जिसमें आपको रिव्यू और OTT रिलीज डेट की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।